हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर जो खुजली की समस्या महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है, वो ये खुजली बहुत ज्यादा महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है और इसके उपाय और साथ ही साथ मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी बताने वाली हूँ जिसको अपनाकर आप इस खुजली की समस्या से निजात पा सकती हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को कोई ना कोई प्रॉब्लम सताती रहती है। तो यहाँ पे जो एक कॉमन प्रॉब्लम आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, वो है खुजली की समस्या। प्रेगनेंसी के टाइम पर महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशान करती है। बहुत सारी महिलाओं को इतनी ज्यादा खुजली होती है, फ्रेंड, कि उनको ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये नौबत अगर आपके साथ भी है तो ये एकदम आप करेक्ट वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको रीजन के साथ साथ आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप इस खुजली की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि खुजली अक्सर इतनी ज्यादा लगती ही क्यों है, प्रेगनेंसी में क्या रीजन रहता है। तो जैसे फ्रेंड्स आपकी बॉडी में जब आप कंसीव करते हैं तो आपकी बॉडी क्या होता है कि हार्मोन्स बनाने शुरू करती है जो प्रेगनेंसी को प्रिक्योर करती है। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजोन जो हार्मोन्स होते हैं, जब आपकी बॉडी में वो उनका लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन आना शुरू होता है जिसकी वजह से आपको एलर्जिक चीजें फील होती है और आपको इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बॉडी पार्ट सबसे जल्दी इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में, आपके टमी के आसपास का स्किन जब स्ट्रेस होनी शुरू होती है, थाइस के आसपास की और आपके ब्रेस्ट के आसपास की जो स्किन जब स्ट्रेस होनी शुरू होती है तो आपको इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी महिला को हथेलियों पे खुजली होती है, पंजों में खुजली होती है, फेस पे खुजली होती है, ब्रेस्ट के आसपास, पेट के आसपास और थाइस पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है। इतनी ज्यादा इचिंग होती है कि उनको स्ट्रेस मार्क्स आ जाते हैं या ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है स्किन पर। तो ये एक मेन रीजन है, जब आपकी बॉडी में ये हार्मोन डेवलप होना शुरू होता है, बढ़ता है, तो आपको खुजली की प्रॉब्लम होती है। बट इसके पीछे और भी कई सारे रीजन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपकी स्किन टाइप हर महिला की अलग होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल स्किन होती है। तो अक्सर जिन महिलाओं की स्किन जो ड्राई होती है उनको खुजली की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर आपकी बॉडी की जो स्किन है वो स्ट्रेसेबल नहीं है या फिर ड्राई है तो आपको खुजली की प्रॉब्लम ज्यादा होगी और आपको ब्लीडिंग आने की प्रॉब्लम हो सकती है और स्ट्रेस मार्क्स भी आपको जल्दी आएंगे। जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, आपका पेट के आसपास की स्किन बढ़ती है, अक्सर महिलाओं को वहाँ पे बहुत ज्यादा खुजली होती है। ये नॉर्मल है, हर महिला को होती है, बट किसी महिला को बहुत ज्यादा जब खुजली होती है तो उसके पीछे की रीजन मैंने बताया कि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन का जो लेवल है वो बहुत कम है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड है और आपने अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखा है तो आपकी खुजली की प्रॉब्लम कम होगी। और अगर आपकी बॉडी ड्राई है, पानी आप कम पीते हैं और आपकी स्किन का जो स्ट्रेसेबल लेवल है वो कम है तो आपकी खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी फ्रेंड। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं और इसको कैसे बचाया जा सकता है? तो देखिए, पहले मैं इंटरनल फैक्टर आपको बताने वाली हूँ कैसे आप खुजली की समस्या को कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे नंबर वन है, आप बहुत ज्यादा पानी पीजिए। पानी पीने की वजह से आपकी स्किन क्या है कि स्ट्रेसेबल रहेगी और हाइड्रेटेड रहेगी। हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी बॉडी में लचीलापन प्रॉपर बना रहेगा। नंबर टू, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर मॉइस्चराइज करके रखिए, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन से आपकी बॉडी में नमी बनी रहेगी तो आपको खुजली की प्रॉब्लम कम होगी। जितनी ज्यादा स्किन ड्राई होगी आपको खुजली की प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा होगी। रेमेडीज क्या है जिसकी वजह से आप खुजली की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं? तो देखिए, जब महिला को प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा खुजली होती है तो नंबर वन, आप एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल एक तो ठंडा होता है, सूद करता है आपकी स्किन को और नमी बना के रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है, जिसकी वजह से भी आपको खुजली की प्रॉब्लम कम होगी। नंबर टू, मैंने जैसे बताया कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें और जिस एरिया में आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है वहां पर आप कोकोनट ऑयल में सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजेशन होता है जो आपकी स्किन पे लंबे टाइम तक टिका रहता है, तो आप उसका यूज करें। और उसमें थोड़ा बहुत आप कपूर डाल सकते हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जिक जो चीजें हैं आपको कम इफेक्ट करेंगे। ये वाली रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकती हो। नेक्स्ट रेमेडी है फ्रेंड्स, वो है आप जो ठंडी आइस होती है, आइस क्यूब है, उसकी से आप सिकाई कर सकती हैं जिसकी वजह से भी आप काफी हद तक राहत पा सकती हैं। खासकर उन महिला को मैं ये सजेस्ट करूंगी जिनको बहुत ज्यादा खुजली होती है, आपको एक अच्छा सा रिलीफ मिलेगा जिसकी वजह से आपको खुजली की प्रॉब्लम कम होगी। नेक्स्ट जो रेमेडी है फ्रेंड्स वो है, आप लेमन ले सकते हैं। लेमन में कुछ बूंदे आप ऑयल की डालें और ठंडे पानी में मिला के उस पानी से आप नहाएं या फिर आप उसको अच्छे से लगा लें। बट अगर आपको उस स्किन प्रॉपर एरिया पर ब्लीडिंग आई है या स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आए हुए हैं तो वहां पर अवॉइड करें, क्योंकि आपको
जलन जैसा फील होगा वहां पर, नहीं आप लगाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऐसे कपड़े पहने बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ऐसे कपड़े ना पहने जो आपको अनकंफर्टेबल फील करें। यहाँ पर आपको कॉटन के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े ही पहनने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छे से ब्रीथ ले पाएगी और आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे और आपको इचिंग की प्रॉब्लम कम होगी। जब आप अनकंफर्टेबल रहते हैं तो आपको इचिंग बहुत ज्यादा फील होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये सारी चीजें ऐसी ही हैं, अगर आप करेंगे तो आपको खुजली की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगा। और फ्रेंड ध्यान रखें, प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी स्किन जल्दी से ड्राई होती है और जो मॉइस्चर है वो जल्दी जल्दी सोखती है, तो आप कोशिश करें दिन में 3 से 4 बार आप अच्छे से मॉइस्चराइज करके आपकी स्किन रखें उस प्रॉपर एरिया में जहां पर आपको ज्यादा खुजली होती है, तो आप कहीं ना कहीं खुजली की समस्या से राहत पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।